tiffin and sorry bag and tiffin and water bottle. And ये भी ले जाना है as well as ये भी ले जाना है as well as ये भी. तो fundamental of addition नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे? Multiplication करेंगे. ठीक है, तो first job यहाँ पे देखिए M1 तरीके से होती है, मतलब two तरीके से, two ways है. Second job M2 तरीके से होती है, मतलब three तीन तरीकों से होती है. और third job M3 तरीके से अगर होती, मतलब two ways से होती है. तो total number of ways में, total how many number of ways in which these jobs can be performed one after the other. 2 3 is a 6, 6 2 is a 12. So there are total 12 ways. देखिए, 3 से भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? और आपको यहाँ पे fundamental principle of multiplication से भी समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, किसी भी question को करते time जब हम question करेंगे, तो आपको ना, आपको question को पढ़के ध्यान से देखना है कि वहां पर कंजंक्शन और आ रहे हैं या कंजंक्शन एंड आ रहा है, ठीक है? अगर आपको कंजंक्शन और दिखता होगा तो आप नंबर ऑफ वेज को ऐड करोगे, ठीक है? और अगर आपको कंजंक्शन एंड दिखता होगा वहां पर, मतलब एक के बाद दूसरी जॉब, दूसरे के बाद तीसरी जॉब, तीसरे के बाद चौथी जॉब इस तरीके से परफॉर्म करी जा रही होगी, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट जॉब इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकेंड जॉब इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ थर्ड जॉब्स इस तरीके से हम करते चले आएंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि कितने तरीके से ये जॉब्स परफॉर्म, ये इवेंट परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया. इसमें देखिए एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूँ इसको क्लियर करने के लिए. देखिए सपोज एक सिटी है ए, ठीक है ना, और दूसरी सिटी है बी और तीसरी सिटी है सी, ठीक है? अब आपको सपोज आपका जॉब है, ध्यान दीजिएगा जरा, आपका जॉब है, आपको जाना है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, आपको सिटी ए से सिटी बी जाना है. और देखिए रास्ते कितने, सिटी ए से बी जाने के ना तीन रास्ते हैं, नाम दे सकते हो आप उसको एक्स वाई एंड जेड, ठीक है? और सिटी बी से सिटी सी जाने के सपोज आपके पास दो रास्ते हैं, आप उसका नाम दे सकते हो. सपोज इस रास्ते का नाम M है और इस रास्ते का नाम N है, ठीक है? तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि भाई आप कितने डिफरेंट तरीके से सिटी A से सिटी B जा सकते हो, सिटी A से सिटी B जा सकते हो, ठीक है? तो देखिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि या तो आप X वाले, सबसे पहले आप दिमाग में ये सोचोगे कि भाई पहले तो मैं A से कहां पहुंचूंगा, B, और फिर B से कहां पहुंचूंगा, C, ठीक है? तो आप सबसे पहले जाओगे A से B एंड आफ्टर दैट यू विल गो फ्रॉम B टू C. अच्छा, अब बताइए A से B और B से C के बीच में और लगाऊं मैं या एंड लगाऊं? और का क्या मतलब हो जाएगा, या तो ये परफॉर्म करना है ये जॉब, और या तो ये जॉब परफॉर्म करना है, मतलब या तो B से C जाना है और का मतलब या तो A से B जाना है. तो ऐसा तो नहीं है ना, हमको तो A से C जाना है, तो उसका मतलब हमको A से B जाना पड़ेगा as well as, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, A से B जाना है as well as B से C जाना है. तो और कंजंक्शन यहां नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, एंड कंजंक्शन, A से B एंड B से C. तो अब काउंट कर लीजिए A से B जाने के कितने रास्ते हैं, आइदर दिस और दिस, ठीक है, और दिस, तो 1 2 3, तो देयर आर टोटल 3 वेज फ्रॉम A टू B. तो देर आर टोटल 3 वेज, ठीक है? और जब आप बी पे पहुंच जाओगे, सिटी बी पर, ठीक है, तो आप बी से सी जाने के कितने तरीके हैं आपके पास, कितने रास्ते हैं आपके पास, देर आर 2 वेज, ठीक है? तो एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, तो देर आर टोटल 3 टू जा 6, देर आर टोटल 3 टू जा 6 वेज to go from city A to C, ठीक है ना? अच्छा, इसको आप देखिए ट्री से भी देख सकते हो, है ना? ट्री से आप किस तरीके से देखोगे कि भाई
सबसे पहले यहां पे बनाते हैं ए से बी के लिए, आपने क्या किया होगा, या तो एक्स एक्स वाला रास्ता लिया होगा, ये देखिए ए से बी के लिए, या तो वाई वाला रास्ता लिया होगा, और या तो कौन सा रास्ता लिया होगा आपने, जेड वाला रास्ता लिया होगा। ठीक है, तो ये जो रास्ते हमने दिखाए हैं एक्स वाई जेड, ये ए से बी के लिए। अब क्या करोगे आप, बी पे पहुंच गए हो, ठीक है ना, तो बी से सी अब जाओगे आप। तो देखिए बी से सी जाने के लिए एक्स के बाद या तो ये वाला रास्ता लोगे एम वाला, और या तो सपोज आप एक्स रास्ते से होते हुए बी पे पहुंचे हो, अब बी के बाद या तो आप एम को चूज करोगे या तो आप एन को चूज करोगे, ठीक है ना। अब सपोज एक्स रास्ता मैंने चूज नहीं किया था, मैं वाई रास्ते से सिटी बी पर पहुंचा था, तो सिटी बी पर पहुंचने के बाद फिर मेरे को सी पर पहुंचने के लिए या तो एम वाला रास्ता लेना पड़ेगा या तो एन वाला रास्ता लेना पड़ेगा। इसी तरीके से सपोज आपने जेड वे चूज किया है, जेड वाला रास्ता चूज किया है, बी पर पहुंच के आप या तो एम या तो एन वाला रास्ता चूज करोगे। तो आप देखिए ट्री से भी देख रहे हो, ट्री से आप क्या देखते हो, ये जॉब था ए से बी जाने का, और ये जो ऐसे एरो लगे हुए हैं ये कहां से कहां तक जाने का है, बी से सी, 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 बी से सी। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, मतलब ए से बी एंड बी से सी, तो आप बोलोगे ए से बी, आफ्टर दैट बी टू सी, या तो क्या किया होगा एफ के रास्ते एम के रास्ते सी पहुंचा होगा, तो ये पहला तरीका है, या तो x के रास्ते m n के रास्ते होते हुए c पहुंचा होगा, तो x n, या तो y m, या तो y n, या तो z m, या तो z n। ठीक है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर टोटल 6 डिफरेंट वेज। तो आपने इसको देखा किस तरीके से हमने इसको ट्री स्ट्रक्चर से भी किया, और हमने इसको एंड कंजंक्शन मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी किया, कि पहला जॉब परफॉर्म करने के तीन तरीके हैं, और आफ्टर दैट एक और जॉब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, और दोनों दोनों जॉब्स हम साथ साथ परफॉर्म करते हैं एक के बाद एक, ये भी ध्यान देना आपको, ये जॉब परफॉर्म करने के बाद आपको सेकेंड जॉब टू वेज में करना है, तो जब एक के बाद दूसरा जॉब आपको परफॉर्म करना ही होता है तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, कैसे, जितने नंबर ऑफ वेज में फर्स्ट जॉब कंप्लीट किया जाता है इनटू जितने नंबर ऑफ वेज में सेकेंड जॉब कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब देखिए इसी में मैं अगर कंडीशन चेंज कर दूं तब क्या होगा, देखिए अब सपोज एक और सिटी है मेरे पास, यहां पर कोई सिटी डी है, ठीक है, और ए से डी जाने के कितने रास्ते हैं, 5 है, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, और डी से सी जाने के कितने रास्ते हैं, सपोज 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज, हाउ मैनी वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी। अब इसको किस तरीके से आप करोगे, सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, देखिए सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि भाई हम ए से कहां चले जाएं, भाई पहले वाली कंडीशन हम ए से बी पे चले जाएं और उसके बाद हम बी से सी पर चले जाएं तो सी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ए से बी जाओगे एंड आप लगाओगे, ध्यान दीजिए एंड, क्योंकि ए से बी जाने के बाद आपको बी से सी भी जाना है, तो ए टू बी एज वेल एज बी टू सी, तो एंड लगा दिया। फिर आप सोचोगे कि भाई या तो ए से बी की तरफ जाओगे और या तो आप ए से डी की तरफ जाओगे, तो बी और डी इन दोनों रास्ते में कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, और या तो आप B
बी सिटी के पास जाओगे फिर सी पे जाओगे, या तो आप डी सिटी के पास जाओगे फिर सी पे जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि या तो ऐसा हो जाए, ए टू बी एंड बी टू सी हो जाए, या तो और देखिए लग गया, या तो क्या हो जाए ए टू डी हो जाए, ए टू डी बताइए भैया, और डी टू सी होगा या एंड डी टू सी होगा? यस एंड डी टू सी, एंड डी टू सी, बिकॉज भैया आपको पहुंचना कहां पे, फाइनल जॉब क्या आपका, इवेंट कब कंप्लीट होगा, जब आप ए से कहां पहुंच जाओगे, सी पर पहुंच जाओगे। तो ए से डी के जा, ए से डी जाने के बाद आपको डी से सी भी जाना है, मतलब ए टू डी एज वेल एज डी टू सी, मींस ए टू डी एंड डी टू सी, ठीक है ना। अब देखिए ए से बी जाने के कितने तरीके, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री एंड लगा है, इनटू बी से सी जाने के कितने तरीके, वन टू टू, फिर ये क्या लगा हुआ है कंजंक्शन, और तो मैंने यहां लगा दिया प्लस, और के लिए प्लस लगाते हैं। ए टू डी, ए टू डी जाने के कितने रास्ते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव, ठीक है, एंड तो इनटू लगा दिया, और डी टू सी जाने के कितने रास्ते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर, ठीक है। तो थ्री टू ज सिक्स प्लस फाइव फोर द ट्वेंटी, तो देर आर ट्वेंटी, देर आर टोटल ट्वेंटी सिक्स वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए दो इलस्ट्रेशन मैं इसमें और लेता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। देखिए इन अ क्लास देर आर टेन बॉयज एंड एट गर्ल्स, देर आर टेन, इसको हम रख कर देते हैं, देखिए किसी क्लास में 10 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। यहां पे दो क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ये है कि इसमें बोला जा रहा है द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल, ध्यान दीजिएगा जरा, द बॉय एंड अ गर्ल टू प्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। तो टीचर wants to select a boy, और नहीं है a boy and a girl, ठीक है। तो बताइए भाई कितने तरीकों से टीचर सेलेक्ट कर सकती है। देखिए एक तो ये है कि भाई हम ट्री बना लें इसका, बट बार बार तो हम ट्री बना नहीं पाएंगे बिकॉज वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा कंजंक्शन यहां पर क्या लगा हुआ है, एंड मतलब लड़की को सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट एक लड़की को भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बॉय एज वेल एज गर्ल, तो देखिए अब एज वेल आ गया, एज वेल एज आ गया, तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, एंड, ठीक है। तो देयर आर टू जॉब्स, ठीक है, तो देयर आर टू जॉब्स, फर्स्ट जॉब एंड सेकंड जॉब। फर्स्ट जॉब इज टू सेलेक्ट अ बॉय, और उसके सक्सेशन में एक और जॉब है हमारे पास, वरना इवेंट कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लड़का और एक लड़की चाहिए, ठीक है ना। तो सेकेंड जॉब इज टू सेलेक्ट अ गर्ल, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब है उसको परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, yes, उसको परफॉर्म करने के टोटल 10 वेज है। कैसे, कि भाई या तो बॉय बी वन को बुलाया जाएगा, या तो बॉय बी टू को, या तो बॉय बी थ्री को, या तो बी फोर, या तो बी फाइव, या तो बी सिक्स, या तो बी सेवन, या तो बी एट, या तो बी नाइन, और या तो बी टेन। देखिए जरा ध्यान से, हर बार और लग रहा है, और, ठीक है। तो वन टू और का मतलब क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पहले लड़के को बुलाने के कितने तरीके, एक ही तरीका तो है, वही लड़का तो आएगा, तो ये एक तरीका, दूसरे लड़के को बुलाने का भी एक तरीका है, तो ये एक तरीका प्लस एक और तरीका, टोटल दो तरीके हो गए, प्लस एक और तरीका, टोटल तीन, और इसी तरीके से 10 लड़के, या सिंपल शब्दों में आप बोलो तो 10 बॉयज दिए, तो 10 बॉयज को
बुलाने के, सेलेक्ट 10 बॉय को बुलाने के कितने तरीके टोटल? 10 तरीके. तो फर्स्ट जॉब m तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब 10 तरीकों से, 10 वेज से. और सेकंड जॉब, ठीक है, गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n का मतलब 8 वेज है. तो ये दोनों जॉब्स एक साथ वन आफ्टर द अदर कितने वेज में परफॉर्म किया जा सकता है? टोटल 80 वेज में, ठीक है. और आपको थोड़ा सा मैं ट्री से यहां पे दिखाना चाहता हूं कि सपोज, बस एक दो मैं दिखाऊंगा बाकी आप समझ सकते हैं. बॉय, सपोज बॉय B1 जो पहला लड़का है, सपोज उसको बुलाया गया है, तो उसके साथ गर्ल G1, गर्ल G2, गर्ल G3, गर्ल G4, गर्ल G5, गर्ल G6, गर्ल G7, गर्ल G8. देखिए, तो पहले लड़के के साथ गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके. मतलब या तो बॉय B1 गर्ल G1, या तो बॉय B1 गर्ल G2. तो देखिए, इसी तरीके से बॉय B2 के साथ भी कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 8, ठीक है ना. तो देखिए 8 + 8, B3 के साथ भी 8 + 8 + 8 + 8, तो 8 कितने टाइम्स? तो 8 10 टाइम्स. टोटल कितना हो जाएगा? 80. तो आप ट्री से भी देख सकते हो, और ये आपको सामने भी एंड कंजंक्शन का यूज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके साफ साफ नजर आता है. अब देखिए, क्वेश्चन यही है. सपोज बोला जा रहा है कि 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं क्लास में, एंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है. सपोज द टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, आइदर अ बॉय और अ गर्ल. अब देखिए, और कंजंक्शन का ध्यान दीजिए. टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है. तो अब टीचर को दो जॉब नहीं करनी है परफॉर्म एक साथ, उसको एक ही जॉब करनी है. क्या? कि या तो वो एक बॉय को सेलेक्ट कर लेगा टीचर, और या तो एक गर्ल को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है. तो ये जो दो जॉब्स है ना, फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब के बीच में कंजंक्शन क्या लगा हुआ है? एंड नहीं लगा है. तो आइदर टीचर विल सेलेक्ट अ बॉय फ्रॉम 10 बॉयज, और टीचर विल सेलेक्ट अ गर्ल फ्रॉम 8 गर्ल्स, ठीक है. तो देखिए, बॉय को सेलेक्ट करने के कितने तरीके? फिर से वही, या तो बॉय B1 होगा, या तो बॉय B2 होगा, या तो बॉय B3 होगा. तो देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता है? कि अगर दो जॉब्स इस तरीके से की जानी कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और पहला जॉब अगर m तरीकों से किया जा सकता है और दूसरा जॉब अगर n तरीकों से किया जा सकता है, तो दोनों जॉब परफॉर्म करने के, दोनों में से एक जॉब परफॉर्म करने के टोटल कितने तरीके हैं? m प्लस n. तो m क्या हो जाएगा यहां पर? 10, बिकॉज बॉय सेलेक्ट करने के टोटल 10 वेज हैं और गर्ल सेलेक्ट करने के टोटल 8 वेज हैं. तो 10 प्लस 8 टोटल देयर आर 18 वेज. टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स टू रिप्रेजेंट अ क्लास, ठीक है. तो इस तरीके से हम करते हैं, और आप यहां पर बना के भी देख सकते हो. ये देखिए, टोटल 10 बॉयज हैं, बॉय B1 से लेके बॉय B10 तक, और गर्ल G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, बस, ठीक है. तो इसमें से या तो इसको सिलेक्ट कर लोगे, या तो इसको, 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 किसी भी बॉय या किसी भी गर्ल को. और लगता जा रहा है, तो 1 वे + 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 1 वे और लग रहा है, तो प्लस करते चलेंगे. तो देयर आर टोटल 18 वेज, ठीक है ना. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और कंजंक्शन का यूज और एंड कंजंक्शन का यूज. तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते ही आप थोड़ा सा ध्यान करना उस क्वेश्चन में कि और कंजंक्शन का यूज है या एंड कंजंक्शन का यूज है. और का होगा तो ऐड कर देंगे, और एंड का होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ जो फैक्टोरियल में छूट गया था हमारा थोड़ा सा. देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल.
ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है. तो बताइए ऐसा पॉसिबल है क्या? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज देखिए एलएचएस अगर मैं लेता हूं यहां पर, तो एलएचएस 3 factorial + 4 factorial है. इसका क्या मतलब है? 3 factorial का मतलब है 3 × 2 × 1 + 4 factorial का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1. ठीक है, 3 × 6 + 3 × 6 = 24. तो टोटल कितना आ गया? 30. एलएचएस की वैल्यू 30. आरएचएस को देखो आप, आरएचएस क्या हो जाएगा? आरएचएस इज 7 factorial व्हिच इज गिवन बाय 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो देखिए 4 से लेके 3 तक ये टोटल 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24. तो टोटल 24 तो यही हो गया है ना. और अब आप इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मोर देन 30. तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. एक तो ये क्वेश्चन है. और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा गिवन है 2 + 2 + 3 factorial 2 + 3 और ये देखिए फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है ना, इज गिवन बाय 2 factorial + 3 factorial. ट्रू एंड फॉल्स? इज गिवन बाय 2 factorial + 3 factorial. क्या ये ट्रू है? नो, ये ट्रू नहीं है. ठीक है, ये फैक्टोरियल ऐसा आप अंदर नहीं भेज सकते उसको. नो, ठीक है. देखिए इसका कुछ और मतलब है. आरएचएस को अगर आप निकालोगे ना, तो आरएचएस इज गिवन बाय 2 factorial + 3 factorial मींस 2 factorial + 3 factorial मींस 2 × 1 और 3 factorial मींस 3 × 2 × 1. तो 2 × 2 + 3 × 2 = 6. तो ये 8 हो गया आरएचएस. एलएचएल को देखिए, एलएचएस को देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 2 + 3 कितना हो जाएगा? ये 5. तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, पहले तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे. मतलब 2 + 3 = 5, 5 factorial है ये. और 5 factorial 5 × 4 × 3 × 2 × 1. ठीक है, तो बस या जो भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 8. तो दैट्स व्हाई LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. तो ये हो गया फॉल्स. और इसी तरीके से आपको अगर ऐसा कहीं पे गिवन है 2 × 3 factorial इज गिवन बाय 2 factorial × 3 factorial. नो, ये भी फॉल्स है. ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टोरियल के अंदर है. ठीक है, और अगर मैं आपको उसको एल शेप से दिखाऊं तो और क्लियर होगा. ये 2 × 3 का फैक्टोरियल है इज गिवन बाय 2 factorial × 3 factorial. ठीक है, तो 2 × 3 = 6. तो ये 6 factorial लिखा हुआ है. और ये क्या है? 2 factorial क्या होता है? 2 × 1. और 3 factorial क्या होता है? 3 × 2 × 1. ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है. आप खोल के भी देखोगे ना, 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 which is not equals to 2 × 1 × 3 × 2 × 1. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा ब्रैकेट लगाओ ना, तो फैक्टोरियल को अंदर नहीं भेजना है. उसमें एडिशन में भी नहीं भेजना है और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं भेजना है. और किसी तरीके से आपको माइनस में भी नहीं भेजना है. अगर माइनस लगाओ तब भी आपको फैक्टोरियल को अंदर नहीं भेजना है. ठीक है, ओके, थैंक यू.